जय माता दी, जय हिंदुस्तान। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप मौर्य। आप देख रहे हैं संदीप बॉलीवुड। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि हिमेश रेशमिया जी के दूसरे चैनल यानी कि हिमेश रेशमिया म्यूजिक एंड मेलोडीज पे तीसरे एल्बम का अनाउंसमेंट हो चुका है। ऑलरेडी इस पे दो एल्बम आ चुके हैं, जो कि अगर मैं सच्ची कहूँ, ये दोनों ही एल्बम जो काम हिमेश में मेलोडीज पे हो रहा है, फर्जी के ब्लॉकबस्टर नाम पे कुछ भी बनाए दे रहे हैं, उनसे कई गुना अच्छा मुझे इनका ये दूसरा चैनल लगता है, हिमेश रेशमिया म्यूजिक एंड मेलोडीज। क्योंकि इस पे जो काम आता है वो क्वालिटी वर्क आता है। ऐसा नहीं होता है कि मतलब कुछ भी उठा के बना दिया या कुछ भी उठा के दिखा दिया। तो ओवरऑल मेरा ये फेवरेट चैनल है हिमेश म्यूजिक एंड मेलोडीज, अगर हिमेश जी के चैनल्स की बात करूं। और इस एल्बम का नाम है लाजवाब, और इसके म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया जी के डैडी जी यानी कि श्री विपिन रेशमिया सर हैं। माने कि वो बहुत ही अच्छी म्यूजिक देते हैं। आप देख चुके हैं, जैसे अभी भक्ति एल्बम एक निकाला था, उसके दोनों गाने अच्छे हैं। और इसकी लिरिक्स राइटर सुधाकर शर्मा जी हैं, उनकी ही लिरिक्स थे उसमें भी, इसमें भी सेम है। और एल्बम का नाम लाजवाब है, और गाने का टाइटल भी लाजवाब है। उसको गा रहे हैं मोहम्मद फैज़। जी हाँ, मोहम्मद फैज़ हिमेश रेशमिया जी के काफ़ी फेवरेट हैं, उनको काफ़ी हाइप भी दी गई थी, उसके साथ उनको हिमेश जी काम भी दे रहे हैं। आप देख रहे हैं, माने कि वो अच्छा गाते हैं, मैंने कभी नहीं कहा वो बहुत ख़राब गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये है, अभी उनको बहुत सीखना बाकी है। वो हर एक गाना सेम 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 वॉइस ही उनकी हर एक गाने में नज़र आती है। तो अगर आप एक सिंगर हैं तो वॉइस मॉड्यूलेशन आपको पता होना चाहिए। आई होप कि इस एल्बम में उनको हम लोग अच्छा सुन पाएंगे, क्योंकि इसमें हिमेश जी के डैडी जी खुद म्यूज़िक दे रहे हैं, वो सामने खड़े होके कर ही म्यूज़िक बनवाएंगे। हिमेश जी के तरीके नहीं कि वो रियलिटी शो में बैठ के वाह वाह करते हैं और उनके चैनल पे कुछ भी कूड़ा काम आता जाता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हिमेश में म्यूज़िक एंड मेलोडीज़ मेरा फेवरेट चैनल है। और ये गाना कल लॉन्च होगा दोपहर में 1 बजे। हम लोग इसको ज़रूर माने कि अच्छा रिव्यू करेंगे। आपको पता है मैं सच्ची बातें बताता हूँ, कड़वा बोलता हूँ लेकिन सच बोलता हूँ, क्योंकि म्यूज़िक के लिए मैं कभी गलत नहीं बोल सकता। और नीचे कमेंट करके बताइए कौन कौन मोहम्मद फैज़ के फ़ैन हैं, और अभी आप और कौन कौन से सिंगर्स को सुनना चाहते हैं। जय माता दी, जय हिंदुस्तान, लव यू ऑल।